हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के रैम के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आज इस वीडियो से हम लोग रैम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि रैम क्या है। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, हमारे इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है व्हाट इज रैम, रैम क्या है। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स की रैम क्या है। सो यहाँ पे लिखा गया है रैम के बारे में कि रैम कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। रैम क्या होती है यहाँ पे बताया है, रैम बताया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता रखा है रैम इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू, ठीक है। रैम जो होती है इंटरनल मेमोरी होती है, किसकी, किसके लिए होती है, वो सीपीयू के लिए। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यानी जो रैम मेमोरी होती है, रैम को स्टूडेंट्स आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी क्या कर सकते हो, कॉल्ड कर सकते हो। सो रैम इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू, ठीक है। जो रैम होती है वह सीपीयू की कैसी मेमोरी होती है, कंप्यूटर्स की इंटरनल होती है। इंटरनल मीन्स क्या हो गया, अंदर कार्य करने वाली मेमोरी होती है, ठीक है। फॉर स्टोरेज डेटा, किसके लिए होती है, डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। इट इज द रीड और राइट मेमोरी, कैसी मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, ये रीड और राइट दोनों टाइप की मेमोरी होती है। रीड भी कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं, राइट भी कर सकती हैं। सो आगे दिया है इसमें इट कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था अभी अभी, इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा अभी, रैम क्या होती है, बताया है रैम इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू, ठीक है। रैम जो होती है सीपीयू के लिए इंटरनल मेमोरी होती है। फॉर स्टोरेज डाटा, किसके लिए होता है, डेटा को स्टोर करता है रैम, क्योंकि मेमोरी है ना तो क्या करेगा, डेटा को स्टोर ही करेगा। सो आगे बताया है इट इज द रीड और राइट मेमोरी, यह रीड और राइट करने के लिए मेमोरी होती है, ठीक है। इट कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने अभी, इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, नीचे बताया है रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, रैम कैसी मेमोरी है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी स्टूडेंट्स जो वोल्टेज यानी बिजली से चलती हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। कॉमा देखिए आगे लिखा है डाटा स्टोर इन लॉस्ट, ठीक है, डाटा स्टोर इन लॉस्ट व्हेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर। इसमें रैम का डेटा कब समाप्त हो जाता है मेमोरी से, रैम में से डेटा जब यहाँ से समाप्त होता है यानी लॉस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, जब भी कंप्यूटर में से लाइट क्या हो जाती है, कट हो जाती है। मेरे कहने का मतलब जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसका डेटा क्या हो जाएगा, उसमें से समाप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कि रैम क्या है, रैम एक इंटरनल मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करती है, और ये एक रीड और राइट टाइप की मेमोरियाँ होती हैं, ठीक है, और इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। आगे बताएं कि रैम एक वोल्टेज से चलने वाली मेमोरी है, ठीक है। डेटा रैम में से जब समाप्त हो जाता है, जब कंप्यूटर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रखा है कि टाइप ऑफ रैम, रैम कितनी प्रकार की होती हैं, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि टाइप ऑफ रैम मतलब रैम कितनी प्रकार की होती हैं। सो ध्यान से देखो, नीचे यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसमें कि रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होती है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो दो प्रकार की होती हैं, एक को एस रैम कहते हैं, दूसरे को डी रैम कहते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इनके बारे में और जानकारी नीचे यहाँ पे बताया गया है कि जो एस रैम होता है उसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या है एस रैम के बारे में, आगे बता रखा है कि जो एस रैम होती हैं वो नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिफ्रेश, इनको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या मतलब इसका, एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इनको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, यानी ये कंटिन्यू काम करती है बिना रिफ्रेश किए, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, कर फास्टर देन डी रैम,
ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फास्टर देन डीरैम, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि यह तेज गति से काम करती है, किससे, डीरैम से, यहाँ पे देन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है यूज एज कैश मेमोरी, और यह चलने के लिए जो यस रैम होती है, अपने चलने के लिए किसका प्रयोग करती है, कैश मेमोरी का प्रयोग करती है, सो यस रैम क्या होती है, फास्ट होती है। सो स्टूडेंट्स डी रैम के बारे में देखो क्या बताया, डी रैम का पूरा नाम क्या होगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सो आगे बताया है कि नीड टू रिफ्रेश कंटिन्यूसली, ठीक है, इस मेमोरी को बार बार आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन ध्यान से देखो जो यस रैम थी उसको था नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन डी रैम को आपको रिफ्रेश करने की यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट दिखाया गया यहाँ पे यूज एज रैम, देखो डी रैम क्या होती है आपकी, यहाँ पे रैम का प्रयोग करती है, और यस रैम किसका प्रयोग करती थी आपका, यहाँ पे यस रैम कैश मेमोरी का प्रयोग करती थी ना यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट्स दे स्लोवर देन यस रैम, ओ यहाँ पे देखो यस रैम से क्या होती है, स्लो होती है, डी रैम जो होती है यस रैम से क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि ये रैम का प्रयोग करती है ना, इसलिए क्या होंगी, स्लो रहेंगी, लेकिन आपका यस रैम जो होती है वो किसका प्रयोग करती है, यहाँ पे कैश मेमोरी का ना, तो कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है, इसी की वजह से यस रैम भी क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से देखो आगे, अगली स्लाइड पे आपको दिखाया जा रहा है डी रैम के बारे में। तो डी रैम क्या है, डी रैम का पूरा नाम स्टूडेंट्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, और यहाँ पे डी रैम के बारे में बताया गया है कि डी रैम अनलाइक यस रैम, मीन्स क्या, डी रैम को लोग कम पसंद करते हैं यस रैम की अपेक्षा, ठीक है, मस्ट बी कॉन्टिन्यूली रिफ्रेश्ड बाई इन ऑर्डर, ठीक है, कह रहा है कि डी रैम को लोग यस रैम की अपेक्षा कम यहाँ पे पसंद करते हैं, क्योंकि इसको कंटिन्यू हमें क्या करना पड़ता है, लगातार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है फॉर इट टू मेंटेन द डाटा, ठीक है, इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश और ऑर्डर में करना पड़ता है, जिससे कि आप इसके डेटा को क्या कर पाओ, मेंटेन कर पाओ। आगे दिया है डी रैम यूज द मोस्ट सिस्टम मेमोरी, कह रहा है कि डी रैम बहुत ज्यादा कंप्यूटरों में प्रयोग में आई जाती है, जानते हैं ना, कह रहा है डी रैम यूज मोस्ट सिस्टम मेमोरी, मतलब अधिक से अधिक कंप्यूटर में सबसे ज्यादा क्या लगा होता है, डी रैम, सारे कंप्यूटर में लगभग डी रैम प्रयोग की जाती है, बिकॉज इट इज चीप एंड स्मॉल, क्यों यूज में लाई जाती है स्टूडेंट से, इसलिए, बिकॉज मतलब यहाँ पे क्योंकि ये चिप होती है, कैसी होती है, चिप, चिप मतलब क्या हो गया, सस्ता होती है और छोटी होती है, ठीक है, मतलब डी रैम का प्रयोग लोग ज्यादातर कंप्यूटर में क्यों करते हैं, सभी लोग अपने कंप्यूटर में क्यों लगवाते हैं डी रैम को, क्योंकि ये सस्ती मिलती है, कम पैसे में आपको मिल जाती है और छोटी भी होती है, ठीक है। ऑल डी रैम आर मेड ऑफ मेमोरी सेल, ठीक है, सारे डी रैम जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, मेमोरी के सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर द कंपोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, डी रैम में जो सेल जो होता है वो कैसे कंपोज किया गया होता है, यानी बनाया गया होता है, उसमें वन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगाया जाता है और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। सो स्टूडेंट्स समझ में आई बात अभी, डी रैम अनलाइक एस रैम का मतलब हो गया डी रैम को लोग कम पसंद करते हैं एस रैम की अपेक्षा, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है और इसके डेटा को मेंटेन करना होता है। डी रैम जो होती है अधिकतर कंप्यूटरों में लगाई जाती हैं, क्योंकि ये चिप होती हैं और क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ऑल डी रैम आर मेड ऑफ मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल से बनी है, ठीक है। दीज आर कंपोज्ड वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, इस सेल के अंतर्गत क्या होते हैं, एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगली स्लाइड को, अगली स्लाइड पे स्टूडेंट्स यस रैम के बारे में दिखाया जा रहा है, यस रैम का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो रिटेन है। आगे इसके बारे में दिया स्टूडेंट यस रैम चिप 6 ट्रांजिस्टर, यस रैम के पास कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर से ये बना होता है एंड नो कैपेसिटर, ध्यान से देखो यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, नो कैपेसिटर, जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता है। लेकिन अभी अभी पिछले स्लाइड पे मैंने बताया था कि जो डी रैम में था 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर लगा होता है, सो अंतर मिला इन दोनों में, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो यस रैम नीड नॉट हैव टू बी रिफ्रेश्ड वन, ठीक है, रेगुलर बेसिस, कह रहा है कि यस रैम को, ठीक है, रिफ्रेश करने की
रेगुलर जरूरत नहीं होती है, मतलब आप एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की क्या होती है, जरूरत होती है। सो नीचे क्या दिया स्टूडेंट, इसको देखो, स्टैटिक रैम इज यूज एज कैश मेमोरी। स्टैटिक रैम यानी एस रैम किसका प्रयोग करती है, कैश मेमोरी का, तो नीड टू बी वेरी फास्ट एंड स्मॉल, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि ये कैश मेमोरी का प्रयोग करती है तो ये काफ़ी फास्ट भी होती है, तेज भी होती है और छोटी भी आपको मिलती है। सो क्या मतलब हुआ, यस रैम में 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं लेकिन उसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता है और इसको रिफ्रेश करने की जरूरत आपको बार बार नहीं होती है, और यह जो होती है अपने चलने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग करती है, इसलिए फास्ट होती है और क्या होती है, छोटी होती है। सो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड में दिया है सब कंप्यूटर रैम नेम, ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स की रैम के नाम। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पहला रैम दिखाया है आपका यहाँ पे DDR। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने DDR का फुल फॉर्म यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डाटा रेट। स्टूडेंट्स ये काफ़ी प्रचलन में चलने वाली आपकी रैम है DDR, डबल डाटा रेट। स्टूडेंट्स ये DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 तक के रैम आ चुकी हैं, ठीक है। लेटेस्ट टाइम पे DDR4 रैम का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगला रैम स्टूडेंट्स आपको दिखा रहा है यहाँ पे EDO। EDO का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ये भी रैम है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पुराने समय में यूज में लाई जाती है। आजकल तो सबसे ज्यादा जो रैम यूज होती है उसका नाम क्या है, DDR रैम है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो अगला एक रैम और दिया है SD रैम। SD रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइज डेटा, ठीक है। ध्यान से देखो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ रैम थे जो कंप्यूटर में प्रयोग में लाए जाते हैं। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान दें और उसको क्या करें, रीड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और किसी भी प्रकार का कमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में राइट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीच चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।